कवि ने बताया, अरे खरा आदमी खरी बात ने अरे कह के मनेगा आशीष आशीष। कवि ने बताया कि खरा आदमी खरी बात ने कह के मनेगा, अरे बेअकल का मूड अनाड़ी रे फेंके माने कारे, बेअकल का मूड अनाड़ी से सुनेगा कवि ने ये बता दिया हिरे दिनी और रात सींच लियो आखिर, दिनी और रात सींच लियो आखिर, पाक्या पछे फसल गुड़े प्राण बाण व्याख्यान एक बे लिखने पाछे नहीं मुड़े, बिन पेंदे का लोटा खोटा इरे इधर उड़े कदे उधर गुड़े, जिसके कट जा पंख पखेरू वो आसमान में नहीं उड़े, जिसके कट जा पंख पखेरू आसमान में नहीं उड़े, जिसके कट जा पंख पखेरू टूटा बनना जुड़ा फर्क तो रह रह के मानेगा, बेअकल का बूढ़ा आदमी रह के मानेगा, बेअकल का बूढ़ा आदमी रह के मानेगा, ओ मंडली हो, अगर उसका कोई मुखिया अच्छा नहीं हो तो वो मंडली कभी सक्सेस नहीं हो सकती, उसमें लड़ाई झगड़े होने ही होते हैं। कवि ने दूसरी कली के माध्यम से इस बारे में बताया और क्या लिख दिया भाई, बिना मंत की बिना मंत की मंडली में हो दंगे और फसाद, चौपट भूप अंधेरी नगरी उड़े कौन करे इम्दाद, खानदान की शान बढ़ा दे जो असली हो औलाद, हो ना जायज हो ना जायज बीज एक दिन घर कर दे बर्बाद, कच्ची हो बुनियादी शहर, कच्ची हो बुनियादी शहर
जिसको मिलनी चाहिए उसके विपरीत मिल जाए तो उनका नुकसान ही नुकसान होता है। तीसरी कली के माध्यम से कवि ने बताया और के लिख दिया भाई, के लिखा विद्या धन पल खल को मिल जा, विद्या धन पल खल को मिल जा, करे अंत में हानी, विद्या मिले विवाद करे जन जन से खेचा तारी, धन मिल जा बर्बाद करे या मूर्ख की सही निशानी, शक्ति ते उत्पात करे जो खुद होता अज्ञानी, शक्ति के उत्पात करे जो खुद होता अज्ञानी, ताल पड़ेगा जिस बल पानी हो, ताल पड़ेगा जिस बल पानी रब के मानेगा, सतसंग दंग की तार अंग के, सतसंग दंग की तार अंग के, दूर करे सब खोट, मिल जाती नो ताप जाप से यो कटे पाप के रो, संकट हरण इरे कष्ट हरण मंगल की करण इरे गुरु शरण की ओ, राधे श्याम तज बुरे काम पी राम नाम की घोर।